पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान बंगाली अस्मिता के एक बड़े प्रतीक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ दी गई। इस पर टीएमसी की छात्र इकाई के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह को काले झंडे दिखाए हैं और उसके बाद से ही बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और केंद्रीय सत्ता पर काबिज बीजेपी के बीच राजनीतिक संघर्ष तेज हो गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति टूटने के बाद से टीएमसी आक्रामक है। पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया के हैंडल पर अपनी तस्वीरें बदल दी और सीएम ममता बनर्जी ने विरोध में बेलाघाट में पैदल मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी ने बुधवार को दिल्ली में अपने दिग्गज नेताओं के साथ साइलेंट प्रोटेस्ट किया और अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंसा करती तो हर राज्य में होनी चाहिए थी और आप लोगों के टीवी मीडिया के फुटेज भी आप देख लीजिए, छह चरण के कंपाइलेशन कर बंगाल की जनता को दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र का गला बंगाल के अंदर घोटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण में जिन 9 सीटों पर चुनाव बाकी है वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल के चुनावी समीकरण से कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग समाप्त हो जाने के बाद भाजपा उस जगह को भरने की जीतोड़ कोशिश में लगी है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना नंबर बढ़ाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।